अब बस मैं क्या बताऊं, मैं आपके प्यार में इतनी पूरी तरह से लट्टू हूँ कि 6 महीने क्या जन्म जन्मों तक मैं आपको झेल सकती हूँ। पति देव भूख लग रही है, पति देव खाते हैं ना पति देव। काफी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है तो हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो घर में पूरी बाहर वाली फीलिंग लेने के लिए आज बहुत कुछ स्पेशल बन रहा है। मम्मी फुटलॉन्ग बना रही हैं और उसको खा के ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, उसको खा के बाहर का पिज्जा भी फेल है। मतलब उसमें चीज और पता नहीं क्या क्या मम्मी डालती हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने उसको कैसे बनाया और वो देखने में कैसा लगता है। मतलब बहुत मजा आने वाला है, मतलब मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है सोच सोच के कि कितना डिलीशियस बना होगा वो। यम, तो अब हम देखते हैं कि फुटलॉन्ग कैसा होता है देखने में। फाइनली मैं किचन में आ चुकी हूँ, अब मेरी आरती होगी किचन में आते हुए। मम्मी आप मेरे डायलॉग पे कुछ कहना चाहते हो? आरती करेंगे, धूपबत्ती करेंगे बेटा आपकी, नारियल फोड़ेंगे आप किचन में आ रही हो। और क्या? जो पहली बार काम होता है आसपास तेल डालेंगे, नारियल फोड़ेंगे, नया काम होगा। अच्छा मम्मी आप क्या बना रहे हो? ये फुटलॉन्ग से है। वाह, मैंने ना एयर फ्रायर में करेंगे। अच्छा, इसको हम एयर फ्रायर में डालेंगे। अच्छा, और ये आलू भुंडा है, इसको बाद में फाइनल करेंगे। आलू भुंडा से आप कुछ और भी बनाने वाले हो क्या? नहीं, इसको फाइनल करेंगे ना, फिर ये वड़ा पाव। अच्छा, मतलब वड़ा पाव बन रहा है आज? वड़ा पाव जो मुंबई में बहुत स्पेशल होता है। मुंबई स्पेशल। अच्छा, ये थोड़े अनियन पकौड़े। मतलब मम्मी आप ही चाहते हो, मुझे पता है, मेरे को पता चल गया आपकी चाल। आप चाहते हो कि मैं मोटी हो जाऊँ, है ना? जब मैं मोटी हो तो तुम पतली क्यों हो? क्या क्या कहा आपने? जब मैं मोटी हो तो तुम पतली क्यों हो? नहीं, मैं भी मोटी हो गई। मेरे जैसे तो नहीं हो ना, मैं तो पहलवान हूँ। बेटा आपको किचन में क्या क्या आता है? मम्मी मुझे किचन में आलस आता है, पसीना आता है और चक्कर तो बहुत ही ज्यादा आते हैं। मजा आया। हमारी शादी को 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तो हम हाफ ईयरली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लॉकडाउन है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो घर पे मम्मी ने क्या क्या किया वो देखते हैं। मम्मी क्या क्या आपने हमारे लिए सेलिब्रेट किया? क्या गिर गया? कैंडल गिर गई। ये देखो, ये पिघल जाएगा। चलो आपने दिखाई दिया। आइसक्रीम के ऊपर जो है कैंडल और ये लगा रखा है, हैप्पी एनिवर्सरी 6। हाँ भाई, क्या क्या करा? लॉकडाउन के चक्कर में केक नहीं मिल पाया, आइसक्रीम मिल गई, तो हमने कहा इसी पे काम कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने ये वड़ा पाव बनाया बॉम्बे स्टाइल। हाँ, और ये फुटलॉन्ग्स बनाए हैं। अच्छा, ये वड़े पाव बनाया, देखिए ये पाव है, ये वड़ा, ये घर पे बनाया? हाँ। ओ बेटे, अरे आइसक्रीम आई है, ये फुटलॉन्ग है, पिज्जा फुटलॉन्ग है, और ये स्नैक्स हैं। अब इसमें और ये कोल्ड ड्रिंक है, इसमें ये क्या है? मॉन्स्टर। अच्छा, ये मॉन्स्टर है, हर एक अपने पसंद की कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। ओहो, और बढ़िया ग्लास भी है। पापा आप क्या पियोगे? मॉन्स्टर। आपके लिए 2 जाम छलकाए जाएं। ठीक है, बना ले। मजे ले रहे हैं, पीते नहीं है पापा वैसे। बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन यार, थैंक्स। अभी ना मम्मी पता क्या कर रही थी, ये मोमबत्ती को पिघला दिया यहाँ से और ये लगा रही थी इसमें ऐसे उल्टा, और ये है फुलझड़ी टाइप, अभी इसमें आग लग जाती ना पता लग जाता। अब ये आइसक्रीम पिघल रही है, इसको जल्दी जल्दी जलाते हैं और जल्दी जल्दी जो है हमें इसको काटना है। ये तो बड़ा खतरनाक था भाई। मम्मी बड़ी धमाकेदार कैंडल्स लेके आया, अब तो मजा आ गया। धमाकेदार एंट्री। ओके, हैप्पी एनिवर्सरी 6 महीने। चम्मच आज बाय चांस यहाँ पड़ा हुआ चम्मच, वरना ये कभी चम्मच नहीं लाती। हैप्पी 6 मंथ्स। हैप्पी 6 मंथ्स पतिदेव। कैसा लग रहा है कुछ 6 महीने मुझे चिढ़ गए? अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। पीछे वो बलून जो मम्मी लाई थी, ये रहा कहाँ पे, ये रहा। वो अभी तक, वो देख रहे हो आप, वो अभी तक अंदर ही है, तो उसको निकाल हम पाए नहीं है, बहुत ऊपर है वो, वहां पे हाथ पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने ना अभी थोड़ा सा एक प्रण लिया था, मैं ना वेट कम कर रहा था, मेरा इसके चक्कर में वेट बढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना। ये पता क्या करती है? ये करती है, नहीं नहीं आप तो मोटे हो ही नहीं, आपका पेट निकला ही नहीं है, और मैं खाता जाता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस की हद, और मेरा वेट बढ़ गया कम से कम 6-7 किलो तो बढ़ गया। लेकिन आज मैं कुछ टाइम से जो है ना एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आज दोबारा से जंक फूड आ गया है, तो आज जो है ना चीट डे करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं क्या बोलने वाली हूँ, भूल गई। तुझे कैसा लग रहा है मुझे 6 महीने से झेलते, मतलब शादी के बाद? वैसे तो पहले तो से तो हम जानते ही थे एक दूसरे को, शादी के बाद झेलते हुए कैसा लग रहा है मुझे? अब बस मैं क्या बताऊं, मैं आपके प्यार में इतनी पूरी तरह से लट्टू हूं कि 6 महीने क्या, जन्मों जन्मों से मैं
जन्म दिनों तक मैं आपको झेल सकती हूँ। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर देख रहा हो ना, तो इसको प्लीज सीरियल में कास्ट कर लो। ये डायलॉग बोलने में ना बाज नहीं आती है। पति तो खाते है ना, पहले भूख लग रही है, बाद में करेंगे बात। पहले नोबिता की आवाज निकाल के दिखा। पति भूख लग रही है, पति देव खाते हैं ना, पति देव। आ गया चीकू भी, आ गया चीकू, हैप्पी बर्थडे। Cheers, guys. By the way, ये अल्कोहल नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक है, बच्चों के लिए नहीं है बट एनर्जी ड्रिंक है, तो इसमें नो अल्कोहल। ये क्या कर रहा है, ये स्किट कैसे मार रहा था, क्या चाहिए इसको, बर्फ चाहिए मुझे? ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, इसको वही बर्फ चाहिए होती है जिसके पास नहीं होती है। अपने फेस पर लगा दी बर्फ, ठीक है, इसके पास थी ऑलरेडी, इसको वही चाहिए थी, लेकिन बर्फ चढ़ा गई है। ये इतना तेज है, इसने बर्फ डाल दिया पापा के जूते में, पापा आपके जूते में इसने बर्फ डाल दिया। निकाल बर्फ, तू पड़े पड़े, ये देखो शक्ल देखो कैसे बनाएगा, पड़े पड़े चाटे पड़े पड़े पड़े। ओ भाई साहब गुस्सा हो गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको ना एक कुकरी का चैनल खोलना चाहिए रेसिपीज का, वड़ा पाओ घर पे बहुत बढ़िया विद चटनी। आप अपने नाश्ते क्यों स्किप करते हो, आपको पता है गैस बनती है ऐसे बहुत ज्यादा बीच बीच में, कहते हैं मतलब ऐसे बोलते हैं, वैसे मैं खुद फॉलो नहीं करती, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि स्मॉल इंटरवल्स पे आपको खाते रहना चाहिए, उससे डाइजेशन सिस्टम सही रहता है। अच्छा, और कहते तो ये भी है कि एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अच्छा, और कहते ये भी है कि मेडिटेशन भी करनी चाहिए। तू कितना फॉलो करती है अपना बता, मेरे को मत सिखा, अपना बता। मैंने एक कहावत पढ़ी थी। हाँ, क्या पढ़ी थी? कोचेस डोंट प्ले, तो ये उससे रिलेट हो सकती है। मैं कोच हूँ, मैं दूसरों को समझाती हूँ। हो गया तेरा। कितना हो रही हो, खुद कितना फॉलो करती हो? मम्मी वो आप समझ नहीं रहे, अगर हम फॉलो नहीं कर पा रहे, अगर हम अपनी जिंदगी नहीं सुधार पा रहे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सामने वाले की जिंदगी सुधारें। आप समझ रहे हो? ज्ञान तो बांट ही सकते हैं ना, अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते तो ज्ञान तो बांट ही सकते कर रहे हैं, मतलब है ना। ज्ञान बांटने के कोई चार्जेस नहीं है, ज्ञान बांटिए जितना मर्जी, लेकिन अभी पता है क्या है बेटे, हमारे पास ना ज्ञान बहुत ज्यादा है, तो आप पैसे बांटे, पैसे ज्ञान बहुत है, पैसे बांटे। पता नहीं आज मुझे कोहल इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोहल ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है? हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल आत्मा तक पहुंच रही है। अबे कोहला ही है ना, कुछ और पी रही है? कोका कोला है, मैंने पीती। नहीं तो हमने कलर कोऑर्डिनेट करके मैंने ये कुर्ता पहन लिया। कैसा लग रहा है कुर्ता? मस्त। थैंक्स। देखो एक्चुअली मैं अगर अपने आप को कंपेयर करूँ पुराने ब्लॉग से, तब से तो यंग लगना शुरू हो गया हूँ, थोड़ा वेट कम हो गया वैसे, बाय द वे। और मेरा वेट बढ़ गया है तो अच्छी बात है, मैं तो यही चाहता हूँ कि तू बड़ी लगे मैं छोटा लगूँ। हैं? हाँ। अच्छा, तो मैंने इसके लिए कुछ लेकर नहीं आ पाया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इतना अच्छा बहाना है। कोई नहीं, पति देव का प्यार ही काफी है, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखा, ऐसी बीवी भगवान सबको दे। मैं ना ये व्लॉग में कैमरे पे बोल जरूर देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि पीछे से मेरी पिटाई कर दे। ये कंफर्म हो गया कि अब तेरे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए? डन। A few moments later. पतिदेव, ये क्या कर रहे हो आप? आप चुपके चुपके आइसक्रीम खा रहे हो? आपने हमारे 6 महीने के उस पर तो कुछ दिलाया नहीं मेरे को। पतिदेव का प्यार ही काफी है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो तो मैं खा लूंगी, लेकिन मेरे को आपने कुछ दिलाया नहीं। अभी लॉकडाउन है, कहाँ से लाऊं? तो फिर भी कुछ तो टाइम देखा है, ये देखो रात के 12:30 हो रहे हैं, रात के इस टाइम इस टाइम कहाँ से दिलाऊं तेरे को? नहीं, मेरे को कुछ चाहिए। नोबिता, मेरे को कुछ चाहिए। अच्छा चल चल चल, अगर किसी ने रास्ते में पकड़ लिया ना बेटे, तो गई। मैं रास्ते में आपके साथ ही रहूंगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेल जेल में बैठेंगे दोनों भाई। चल चल। मास्क पहन ले, मास्क ऊपर कर ले। मेरे को सफोकेशन हो गई है। 2000 रुपए जेब में लेके आइए। नहीं, मास्क ऊपर रख कर। आपके पास तो होंगे, मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है, ऊपर रख। अभी बंद है? बंद नहीं है, कब तक आएगी लाइट? मतलब पूरे इलाके की लाइट गई हुई है। ठीक है भाई, मैं देख तेरे लिए लेने गया था, अब तेरी किस्मत है, बंद मिला तो मैं क्या करूँ, 24/7 बंद है तो क्या करें। वैसे तो बज रहे हैं अभी इस टाइम तकरीबन 1:15 बज रहा है रात का, क्या करें बता। कोई नहीं पति देव, मैं आपका प्यार देख के मेरा पेट भर गया। अभी देखते रास्ते में कुछ मिल जाएगा। वो स्ट्रीट लाइट चल गई, मुझे लग रहा है लाइट आ गई है। अरे हाँ, भगवान जी भी चाहते हैं कि मैं भूखे पेट ना जाऊं। बैठ, भूखे पेट तो नहीं जाएगी, चले देखें, ट्राई करें। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। तो टाइम हो रहा है कितना, 1:14 टाइम हो रहा है, और इसके चक्कर में हम जा रहे हैं दोबारा से
देखने। अच्छा पति देव मिले इतना नहीं कर सकता है, इतना नहीं कर सकते नौमिता के लिए। क्या लगता है आ गई लाइट? अबे पॉपर्ट हो गया ये तो, अभी भी नहीं खुली। नहीं आई लाइट, नहीं आई, नहीं आई लाइट। अबे यार गोल गोल चक्कर ही लगाते रहेंगे क्या? पति देव मैं तो घर से जीरा से भी नहीं पी के आई, क्योंकि मेरे को लगा कि वहाँ 24/7 जाएंगे, वहाँ पे कुछ ठंडा ठंडा पियेंगे, लाइम का ना लाइम जूस कुछ इस टाइप का, मतलब बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे, लेकिन कुछ मिला ही नहीं, मैं पी के भी नहीं आई जीरा से। फिर से पहले तो देख हमारी परछाई। हेलो हाय पति देव, मैं आपके दो सिंह बनाऊंगी। बना ओए होए, तीन सिंह होते ही नहीं। देखो पति देव चांद कितना अच्छा लग रहा है। कहाँ है? ओहो पूरा चांद निकला हुआ है, फुल मून है आज, है ना? मुझे लगा कुछ डायलॉग मारोगे इसको चांद को देख के मेरे ऊपर। नहीं डायलॉग मारूं? हाँ। चांद में तो दाग है, मेरा चांद में भी दाग है, बेदाग है, बेदाग है, बेदाग है। अच्छा चल 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 चल, मैं तेरे को कुछ खिलाऊंगा घर जाके। बढ़िया, मैं पिंपल्स में नहीं कह रहा हूं। लौट के बुद्धू घर को चले। घर को आए मतलब बात तो एक ही है। वाह वाह, तो पति देव हमें कुछ तो मिला नहीं ठंडा पीने के लिए बाहर, लेकिन चलो कोई नहीं, हमने ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पी के काम चला लिया, उसमें भी मतलब संतुष्टि मिल गई है, सेटिस्फाई हो चुके हैं हम दोनों। तो पति देव हमारी शादी को ना 6 महीने हो गए हैं। हाँ। तो मैंने सोचा कि कुछ रोमांटिक गेम प्ले करते हैं। ओ मतलब ऐसा वैसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं। रोमांटिक गेम मतलब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी कुछ। अच्छा तो शुरू किया जाए? ठीक है, तो पतिदेव मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने वैसे तो बहुत सारे गाने डेडिकेट किए हैं मेरे लिए, लेकिन ऐसा पहला कौन सा सॉन्ग था जो आपने गाया था बहुत फीलिंग के साथ? माना गया था या वो गया था पंजाबी जाने मेरी है। जाने मेरी है गया था। हाँ। अब आपने बताई दिया तो थोड़ा गाके भी सुना दो, थोड़ा मतलब पूरी फीलिंग के साथ दिल से फील करते हुए। अच्छा चल, हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं तो मैं इसके लिए गाना गा देता हूँ। जाने मेरी है मैं तेरा, हाँ हाँ जी तेरा, तू कर ले यकीन, इतना प्यार वे बस तेरे नाल, बस तेरे नाल वख ना करी, तू ही मेरी जिंदिया जहान वे, तेरे बाजो कौन है मेरा, हाय वेखा तेनू नित सुबह शाम वे, नहीं खिड़दा है तेरा चेहरा, हाय ओ मेरी जान, ना हो परेशान, बिना तेरे मेरा सर ना नहीं। बस बहुत ओवर एक्टिंग कर दी है। अरे वाह बहुत चकाया पति ने। अच्छा जब मैं तेरे मम्मी पापा से मिलने के लिए आया था, हाँ, तो मैंने क्या पहना हुआ था? आपने कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, आपने पहनी थी व्हाइट शर्ट, याद रखो। और क्या, मुझे सब कुछ याद रहता है। आपने व्हाइट शर्ट पहनी थी, बिल्कुल प्लेन व्हाइट। अच्छा 6 महीने हमको हमारी शादी को हो गए हैं, तो ना बहुत सारे लोग एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहे थे कि हमारी लव स्टोरी कैसी, हमने कैसे शुरू किया, हमने जो है ना अपने घर वालों का थोड़ा पोपट बनाया था, प्रैंक करने की आदत तो बचपन से। तो उनके साथ प्रैंक किया था कि हमने एक दूसरे के घर पे मीडिएटर के थ्रू रिश्ता भिजवा दिया था और उनको पता ही नहीं लगा, और जब हमारा रोका हो गया तो उस दिन रोके वाले दिन हमने बताया था कि हमने हम एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो ये जो स्टोरी है ना ये कल बताएंगे आपको, फॉर श्योर कल आपको बताया जाएगा। पहले एक ना कॉमेंट लेते हैं, तो एक कॉमेंट आया कि मैं यानी राहुल मीनाक्षी को तू करके बात करता है और मीनाक्षी जो है वो राहुल को आप करके बोलती है। तो मैं इस पे ये बोलना चाहूंगी कि पति देव ना मुझसे बड़े हैं, तो मैं पति देव को रिस्पेक्टफुली बोलती हूँ, लेकिन अगर मुझसे पति देव बड़े नहीं भी होते तब भी मैं बोलती, मतलब मेरे को अच्छा लगता है ऐसे बोलना। और पति देव अगर मुझसे तू बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं, और मुझे भी उनके मुंह से तू जो सुनना है ना वो मुझे अपनापन लगता है। अगर पति देव मुझे आप बोलेंगे ना तो मतलब मुझे ऐसा लगेगा, मैं मतलब बड़ी बड़ी से मुझे फील होगा, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है पति देव मुझे तू बोलते हैं। तो हम आपस में एक दूसरे के साथ खुश है, मैं इसको तू बोलूं, ये मुझे आप बोले, या ये मुझे तू बोले, मैं इसको आप बोलूं, क्या फर्क पड़ता है। तो कल के व्लॉग में आएगा कि हम कैसे मिले, हमारी लव स्टोरी, हमने क्या क्या किया, क्या क्या किया मतलब हमने कहाँ कहाँ घूमे, हम कहाँ कहाँ मिले, वो सारी चीजें बताएंगे आपको कि कैसे मिले, कैसे बातें शुरू हुई, कैसे अपने घर वालों का पोपट बनाया और कैसे हमारी शादी हुई, वो सब कुछ आएगा कल के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग करते हैं खत्म, खत्म करने से पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए और इसी तरीके से ना मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।